ओला से बाइक बुक कर लिया। मैं जा रहा हूँ बड़ा बाजार, और बड़ा बाजार का रोड है जो बोलता है बलवन रोड ना। और वीडियो में बने रहिए, आप लोग को दिखाता हूँ बाजार में क्या क्या मिलता है, आप लोग को क्या क्या एक्सप्लोर करके दिखा सकता हूँ, आप लोग देखते रहिए। तो देखिए ये कोलकाता का होटल, फिर देखिए ये धर्मतला मैदान। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आया हूँ कोलकाता का बोरा बाजार में, तो आप लोग को बोरा बाजार दिखाता हूँ, एक्सप्लोर करके आप लोग देखते रहिए। और मुझे भी कुछ खरीदना है तो मैं आप लोग को दिखाता हूँ लास्ट में मैंने क्या क्या खरीद लिया घर के लिए, तो आप लोग वीडियो देखते रहिए। और बहुत बड़ा बाजार है ये, मैं आप लोग को पूरा बाजार एक्सप्लोर करके दिखाऊंगा। देखिए आपको बोलते तो हमने बता पाएगा ना, फिर पाँच बाकी रुपीस में आपको लच्छी मिल जाएगा इधर। लच्छी देखिए फ्रेंड्स, ये लच्छी भाड़ में लच्छी चलिए इधर से कुछ लेना है मुझे, मैं इधर से चूड़ीदार ले लूँगा घर के लिए। भैया चूड़ीदार दिखाओ मुझे। रोशनी सीधा यही गिराएगी क्या? भैया फिक्स प्राइस है क्या? हाँ मेरा छुपा हुआ है।
इस तरफ लेके चलते हैं। इस तरफ है ज्वेलरी का दुकान, आप लोग को इस तरफ इयररिंग वगैरह मिल जाएगा जो ज्वेलरी में मिलता है। बहुत ही सस्ता सस्ता में मिलते हैं, ज़्यादा कॉस्टली नहीं है, बहुत ही कम दाम में मिल जाएगा आप लोग को। यहाँ पे बोरो बाज़ार इसको बोलते हैं, कोलकाता बोरो बाज़ार। चलिए देखिए, बहुत ही बड़ा एरिया है। छूट कर रहे हैं, नहीं मिला है, ले लिया। चलवा का नहीं जानती। दुकान जाम हो रहा है, गेट पर आ जा रहा है गाड़ी। नहीं सारे नहीं चाहिए, मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। कितना रुपये मांगा हमारे जीवन को।
फ्रेंड्स ये पार्क स्ट्रीट एरिया है। देखिए यहाँ पे सबसे बेहतरीन और बेहतर होटल मिलेगा आप लोग को रहने के लिए। सबसे अच्छा होटल मिलता है यहाँ पे पार्क स्ट्रीट में, तो आप लोग आए तो यहाँ पे आके रह सकते हैं। होटल आ गया पार्क होटल, देखिए द पार्क होटल वो, और इधर भी है देखिए। तब आप लोग को यहाँ से 3 स्टार से 5 स्टार तक होटल मिल जाएगा। देखिए इधर देखिए, मतलब आप लोग को किस तरह का रूम चाहिए यहाँ पे मिल जाएगा, होटल मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होता है कोलकाता में। और यहाँ पे सस्ता भी होता है रूम का। मैंने यहाँ पे 1 वीक से रह रहा हूँ, 600-700 में रूम मिलता है और वो ड्यूअल बेड में मिल जाता है। देखिए बिल्डिंग होटल, देखिए कोलकाता बहुत ही बड़ा एरिया है। मैंने देखा है आसाम से बहुत बड़ा सिटी है ये। हम लोग का आसाम में घूमने के लिए 10 घंटा में घूम सकते हैं, लेकिन कोलकाता 2-3 दिन से घूम रहा हूँ इस तरह, लेकिन कुछ भी नहीं कर पाया अभी तक। बहुत ही बड़ा एरिया है, मतलब एक लोकेशन में जाओगे तो पूरा दिन निकल जाता है देखने में। देखिए फ्लाईओवर, फ्रेंड्स थक गया मैं बहुत ज़्यादा ही, क्योंकि बहुत गर्मी है।
तो मैंने भी शॉपिंग कर लिया, बहुत सारा 6000 का शॉपिंग कर लिया मैंने। देखिए ये फ्रेंड्स, भैया ने मेरा साथ दिया पूरा दिन, मैंने जो वीडियो बना रहा था साथ में रहा, तो अभी रिटर्न हो रहा है भैया का साथ। तो इस भैया ने अभी मेरा रूम का सामने लेके जा रहा है, तो इस भैया को मैं थैंक्स बोलता हूँ क्योंकि ये बहुत जगह लेके घुमाया मुझे, और उसको जगह में नाम बताते रहे कि ये जगह इस नाम से जाना जाता है। और कोलकाता का एक खास चीज़ है कि यहाँ का रोड बहुत ही अच्छा है, तो इस भैया को अभी बाय बोल देंगे। मैंने कॉल किया इधर, तो इस भैया को चलिए और एक मिनट लगेगा रूम पहुँचते पहुँचते। तो मैं चाहता हूँ आज का वीडियो इस बाइक से ही करूँगा, ख़त्म करूँगा। तो भैया का साथ मैंने आप लोग को मेरा इस भैया का फेस भी दिखा देता हूँ, जो बहुत ही अच्छा इंसान है और बेंगल का आदमी। मैंने सुना था कहीं कहीं सुनता हूँ कि इतना अच्छा नहीं होता, लेकिन मैं और खुद से रह रहा हूँ बेंगल में, बहुत ही अच्छा है, मेरा साथ अच्छा ट्रीट करता है इन लोग। और कोई बात नहीं, चलिए और वीडियो पूरा देख लेना, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब कर देना चैनल, ताकि आप लोग को आगे का वीडियो भी देखने को मिले। भैया कैसा लगा मेरा साथ? वेरी गुड लगा, बता सकते हैं कि बहुत ही अच्छा लगा, आपका व्यवहार आपका चाल बहुत ही अच्छा लगा। तो चलिए भैया ने बोल दिया, तो भैया को थैंक यू बोलता हूँ। फ्रेंड्स देखिए, मैंने ये शॉपिंग करके लेके आया घर के लिए, देखिए चूड़ीदार कितना अच्छा अच्छा चूड़ीदार मिला है, आप लोग को दिखाता हूँ एक एक करके, देखिए। देखिए कितना अच्छा है।